कार दोस्तों बुरी तरह फंस चुकी थी भारतीय टीम, लेकिन फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव और जायसवाल का आया तूफान और सूर्य कुमार यादव ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से रचा T20 में इतिहास और अफ्रीका के सामने भारत ने खड़ा कर दिया बड़ा लक्ष्य। और फिर उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों का आया तूफान और इस रोमांचक T20 मुकाबले में इस टीम ने आखिरी में आकर मारी बाजी। जी हाँ दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच तीसरा T20 मुकाबला खेला गया, जहां साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और वहीं भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत शुभमन गिल और जायसवाल ने की और यह दोनों बल्लेबाज आते ही काफ़ी ताबड़तोड़ अंदाज में आज बल्लेबाजी कर रहे थे और दो ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने 29 रन बना लिए थे। लेकिन तभी तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल चौका लगाने के चक्कर में LBW आउट हो गए और भारत को 29 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा। शुभमन गिल ने 12 रनों की पारी खेली। फिर उसके बाद तिलक वर्मा भी आते ही पहली गेंद पर चौका लगाने के चक्कर में सामने की तरफ आउट हो गए और 29 रन के स्कोर पर ही भारत का दूसरा विकेट गिरा और तिलक वर्मा ने 0 रन बनाए। फिर उसके बाद जायसवाल का साथ निभाने कप्तान खुद सूर्य कुमार यादव को जल्दी ही मैदान पर उतरना पड़ा। फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करके भारतीय टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया और फिर उसके बाद जायसवाल एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे और भारतीय टीम ने 11वें ओवर में 100 रनों का आंकड़ा छुआ। फिर उसके बाद जायसवाल ने अपना अर्धशतक पूरा किया और दूसरे छोर पर सूर्य कुमार यादव आज थोड़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जायसवाल के अर्धशतक पूरा करते ही सूर्य कुमार यादव ने 300 की स्ट्राइक रेट से रन बनाने शुरू कर दिए और उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन दूसरे छोर पर जायसवाल 60 रन के स्कोर पर बाउंड्री पर कैच आउट हो गए और 141 रन के स्कोर पर भारत को तीसरा झटका लगा। फिर सूर्य कुमार यादव का साथ निभाने रिंकू सिंह मैदान पर उतरते हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव अर्धशतक के बाद और भी तेजी से बल्लेबाजी करने लगते हैं और 19वें ओवर में रिंकू सिंह छक्का लगाने के चक्कर में 14 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और 188 रन के स्कोर पर भारत को चौथा झटका लगता है और सूर्य कुमार यादव उस समय शतक से केवल 2 रन दूर थे। और फिर 20वें ओवर में सूर्य कुमार यादव 2 रन लेकर अपना शतक पूरा करते हैं और सूर्य कुमार यादव का यह चौथा T20 का शतक था और उन्होंने इसी शतक के साथ रोहित शर्मा की भी T20 शतकों की बराबरी कर ली है। फिर उसकी अगली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव बाउंड्री पर छक्का लगाने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं और सूर्य कुमार यादव 100 रन की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम 20 ओवर में 201 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाने में कामयाब रहती है और साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से केशव महाराज और विलियम्स सबसे ज्यादा 2-2 विकेट चटकाते हैं और जवाब में 202 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रहती है। पहला ओवर मैडन निकलने की वजह से दूसरे ओवर में ब्रिक्स बोल्ड हो जाते हैं और केवल 4 रन के स्कोर पर साउथ अफ्रीका की टीम को पहला झटका लगता है। फिर उसके बाद कप्तान एडम मार्करम हेनरिक्स का साथ निभाने मैदान पर उतरते हैं और इन दोनों के बीच छोटी सी पार्टनरशिप होती है, लेकिन तभी 23 रन के स्कोर पर साउथ अफ्रीका की टीम को हेनरिक्स के रूप में दूसरा झटका लगता है। मोहम्मद सिराज हेनरिक्स को 8 रन के स्कोर पर रन आउट कर देते हैं। फिर क्लासन मैदान पर कप्तान का साथ निभाने उतरते हैं और इन दोनों के बीच भी छोटी सी पार्टनरशिप होती है, लेकिन तभी क्लासन भी 5 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और फिर उसके बाद मार्करम भी 25 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और केवल 42 रन के स्कोर पर साउथ अफ्रीका की टीम को चौथा झटका लगता है। एक छोर पर मिलर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर लगातार विकेट गिरते जा रहे थे। जडेजा और कुलदीप यादव अफ्रीका के किसी भी बल्लेबाज को मैदान पर नहीं टिकने दे रहे थे। अफ्रीका की टीम को अब 8 ओवर में जीत के लिए 113 रनों की जरूरत थी, लेकिन कुलदीप यादव ने अपने 14वें ओवर में लगातार 3 विकेट चटकाकर अफ्रीका की टीम को केवल 95 रन के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया और भारतीय टीम ने तीसरे T20 मुकाबले में अफ्रीका की टीम को 106 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया और ये 3 T20 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर रही। एक मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था। अब भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलने वाली है जो 17 तारीख से शुरू होगी और फिर उसके बाद भारतीय टीम को 2 टेस्ट मुकाबले खेलने हैं जिसके लिए भारतीय टीम साउथ अफ्रीका में पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।